सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले लोगों को परिपक्वता तिथि पूरी होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। राशि भुगतान कराने की मांग को लेकर जमाकर्ताओं एवं एजेंटों में सोमवार को विधायक विनोद सेवकलाल चंद्राकार से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताया। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। आगे खबर है कि महायुद्ध नई दुनिया, सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले लोगों को। जी हाँ दोस्तों, ये नई दुनिया अखबार से आई है। सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले लोगों को परिपक्वता तिथि पूरी होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। राशि का भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर निवेशक अभिकर्ताओं ने सोमवार को विधायक विनोद चंद्रा से मुलाकात कर समस्याएं बताई, जिस पर विधायक चंद्रकार ने उचित पहल करने का आश्वासन दिया है। सोमवार को रविशंकर साहू, देवराम सेन, देवेंद्र चंद्रकार, पुष्पलता चंद्रकर, सहमीता पटनायक, कुंती बेहरा, उत्तरा चंद्रकार, सरोजनी सैनी, किरण शर्मा, अनिरुद्ध सोनी, राकेश चंद्र, विंदु आचार्य, भारतीय गुप्ता, महेश चंद्र, गणेश चंद्रकार, हलधर बघेल, अजय चंद्रकार, निशा चंद्रकार, राजेश चंद्रकार, नरहर बघेल आदि विधायक निवास पहुंचे और विधायक चंद्रकार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया ने पिछले 5 साल से निवेशकों को परिपक्वता तिथि पूर्ण होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। निवेशकों के भुगतान करने की मांग पर कंपनी केवल एम्बार्गो लगाए जाने का बहाना बनाकर भुगतान नहीं कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सभी निवेशकों का पैसा सहारा जल्द से जल्द दे। साथ ही दूसरी स्कीम व पूर्ण निवेश कहकर टाल मटोल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत व मजदूरी करके राशि जमा की गई, परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी पेमेंट नहीं किया जा रहा है। बीमारी के इलाज के, बच्चों की शादी के, न जाने कितने कार्य ऐसे आवश्यक कार्य हैं जो निवेशकों के अधूरे पड़े हुए हैं। भुगतान ना होने के कारण निवेशकों ने हताश व परेशान हैं। सहारा इंडिया के उच्च अधिकारियों के ऐसे नकारात्मक रवैये के कारण अभिकर्ताओं के साथ साथ जमाकर्ताओं की वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने इस मामले में उचित पहल करने की मांग की, जिस पर विधायक चंद्रकार ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। दोस्तों, मामला बहुत पेचीदा पड़ा हुआ है और ऐसे मामले में सहारा सुब्रत राय निवेशकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, वो वही जानते होंगे। तो दोस्तों, न्यूज़ अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।